चाहते हैं कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है तो हम क्यों भुगते 3,000 रुपए। जो मेरा नाम समर खान है और आप देख रहे हो इस वक्त मेवा तक। दोस्तों आज जो हमारी मौजूदगी है दरअसल वो नगीना गवर्नमेंट कॉलेज के सामने हम मौजूद हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट यानी कि पढ़ने वाले विद्यार्थी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन विद्यार्थियों से हम जानेंगे आखिर इनकी क्या परेशानी है, ये अपने कॉलेज को छोड़कर आखिर क्यों कॉलेज के बाहर खड़े हुए हैं, इनका जो समय होता है इस वक्त पढ़ाई करने का आखिर उस पढ़ाई को छोड़कर ये कॉलेज के बाहर आकर क्यों खड़े हुए हैं, क्या इनकी परेशानी है। दरअसल इन लोगों का आरोप ये है कि इन लोगों ने जो इनकी माइग्रेशन थी वो निर्धारित समय पर जमा करा दी थी, लेकिन इस कॉलेज का बाबू इनके ऊपर ये आरोप लगा रहा है कि आपकी जो माइग्रेशन थी वो निर्धारित समय पर जमा नहीं हुई है, इसलिए आपको 3,000 रुपये का भुगतान तो करना ही पड़ेगा और पड़ेंगे। ये बच्चे जब यहाँ के बाबू से बातचीत करते हैं उनसे कहते हैं कि हमें आप अपना रिकॉर्ड दिखा दीजिए, हमारी जो माइग्रेशन थी वो हमने समय पर जमा कराई है, लेकिन वो बाबू इनको रिकॉर्ड दिखाने से मना कर देता है। तो ये अपने पेरेंट्स को भी यहाँ पर लाते हैं, तो आइए इन बच्चों से भी हम बातचीत करते हैं और उनके जो माता पिता हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं उनसे भी हम बातचीत करते हैं। उनके माता पिता जब उस बाबू के पास मिलने के लिए जाते हैं बच्चों की शिकायत को लेकर तो उनसे मिलने के लिए मना कर देते हैं। तो पहले इन बच्चों से जानते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या था। सर हमसे कहा गया था कि मतलब आज से 2 साल पहले जब हमने एडमिशन लिया था तब हमसे माइग्रेशन जमा कराने के लिए कहा गया था, जिसकी लास्ट डेट 10 फरवरी दी गई थी, जबकि हमने 21 या 22 जनवरी को अपना माइग्रेशन जमा करा दिया था। लेकिन तब से आज तक हमसे कुछ नहीं कहा, हमारा फर्स्ट सेम का रिजल्ट, सेकंड सेम का रिजल्ट सभी आ गए, लेकिन जब हमारा थर्ड सेम का रिजल्ट दिया गया तो उस समय हम थर्ड सेम का रिजल्ट हमारा रोक लिया गया। हमने उनसे पूछा कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, तब इन्होंने हमें बताया कि आपके माइग्रेशन जमा नहीं हुए। हमने पूछा कि हमने तो माइग्रेशन टाइम से जमा करा दिए थे। सर मतलब एक बच्चे का हो सकता है, दो का हो सकता है, 60 के 60 बच्चों का ये बोल रहे हैं कि माइग्रेशन जमा नहीं हुआ है। हमने प्रिंसिपल सर से बात की, उन्होंने कहा कि इसमें राधे की कमी है, राधे से हम बात कर रहे हैं। राधे ने पहले बोला है कि माइग्रेशन आपने हमें दिए थे, हम यूनिवर्सिटी लेकर भी गए थे, वहाँ हमसे लिए नहीं, फिर दोबारा यूनिवर्सिटी से हमें नोटिस आया था, फिर हम दोबारा से देने गए तब भी हमसे नहीं लिए गए। तीसरी बार जब हम गए तो उन्होंने हमसे यूनिवर्सिटी ने माइग्रेशन ले लिए लेकिन हमें कोई रिसिप्ट नहीं दी। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है तो हम क्यों भुगते 3,000 रुपये जो 1,80,000 रुपये बन रहे हैं, और सारी गलती तो इसी में दिख रही है। कभी ये बोल रहे हैं कि आप 2,000 रुपये दे दो, कभी बोल रहे हैं आधा दे दो, कभी बोल रहे हैं जो एससी वाले बच्चे हैं वो ना दें, तो सारी गलती तो इनकी ही है लेकिन ये हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं उसे। तो आपका कहना है कि हम जो हमारी माइग्रेशन थी वो हमने निर्धारित समय पर दे दी है। हाँ टीचर का कहना नहीं है, जो यहाँ का बाबू है जिसका काम है माइग्रेशन को जमा कराना, वो आपसे 3,000 रुपये मांग रहे हैं। हाँ 3,000 रुपये बातचीत की, वो यही बोल रहे हैं कि आपका माइग्रेशन लेट जमा हुआ था जबकि हमने जो डेडलाइन हमें दी गई थी उससे पहले जमा करा दिया था। बोल रहे हैं कि 11 या 12 बच्चों के हैं जो जमा हो गए हैं, जब ये जमा कराने गए हैं जब किसी और के नहीं लिए, सारे साथ जमा कराए थे तो उनके जमा कैसे हो गए। हमारे जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के थ्रू ना, हमारे यूनिवर्सिटी के थ्रू हमारे पास मैसेज आया था कि आपको 3,000 रुपये जमा करने हैं, लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि भाई किस लिए मांग रहे हो तो उन्होंने कहा कि आपका माइग्रेशन जमा नहीं हुआ है, सारे बच्चे माइग्रेशन ले लेकर के आए हैं MDU यूनिवर्सिटी से और सबने जमा किया है। उन्होंने बोला कि ये COVID-19 के थ्रू वो जमा नहीं हुए हैं, लेकिन हमारी कोई गलती नहीं है क्योंकि हम सब ने अपने जो माइग्रेशन है वो टाइम पर जमा किए थे। तो अब हम ये चाहते हैं कि हमारी जो माइग्रेशन की फ़ीस है, क्यों हमारी कोई गलती नहीं है और इतना ज़्यादा अफोर्ड कोई नहीं कर सकता क्योंकि सब बच्चे गरीब हैं, कोई भी इतना बड़ा नहीं है कि जो सब जो पैसे दे देगा, सबके माँ बाप पैसे मेहनत से ही कमाते हैं, कोई भी फ्री के नहीं थे और ये नाजायज़ रुपए हैं जो हमसे मांगे जा रहे हैं। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम सीधा भी यूनिवर्सिटी के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे, क्योंकि हम जब हमने अपनी माइग्रेशन टाइम पर जमा कर दिया तो फिर अब हमसे क्यों मांगे जा रहे हैं। अगर ऐसी बात थी तो हमें पहले बता दिया जाता था, और क्या नाम है, हमारा फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट था वो क्यों डिक्लेयर कराया था। ये MA फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं जो पास आउट हो चुके हैं और इनका थर्ड सेम का और फोर्थ सेम का रिजल्ट रोक रखा है यूनिवर्सिटी ने, और इसमें कॉलेज का जो बाबू है राधे उसका फॉल्ट है क्योंकि उसको 2 साल पहले हमने माइग्रेशन दे दिए थे
और उसका कहना ये है कि तुमने माइग्रेशन है वो लेट दिए हैं, इसकी वजह से तुम्हें 3,000 रुपये लेट फीस देनी पड़ेगी। और जो माइग्रेशन इन्होंने हमसे 2 साल पहले मांगे थे वो हमने डेडलाइन से 10-10 दिन पहले जमा करा दिए थे कॉलेज में, लेकिन अब हम उससे ये बोल रहे हैं कि अगर हमने लेट जमा कराए तो अपना रिकॉर्ड दिखा दो। वो बोल रहा है कि मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसके बाद हमने जो कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल है उससे बात करी, डीसी चौहान, उनसे हमने कंसल्ट करा तो उन्होंने बोला कि इसमें राधे की गलती है, पर मैं राधे से बात करूंगा। फिर हमने उनसे बोला कि आप सॉल्यूशन तो दो हमें, सॉल्यूशन तो मिले हमें, तो उन्होंने बोला अभी तो मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है लेकिन मैं राधे से बात करके आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। फिर कल हमने जो प्रिंसिपल हैं, जो सबसे बड़े पद पे हैं इस कॉलेज में, रफ़ीक सर, उनके पास भी कॉल करा था, उनको ये पूरी परेशानी बताई थी। उन्होंने ये बोला कि हाँ आप लोगों की तो गलती इसमें है नहीं, पर इसमें राधे की गलती है और आप लोग बोलोगे तो मैं राधे की जॉब खा जाऊंगा। हमने उनसे बोला कि जॉब से हमें मतलब नहीं है, 3,000 रुपये हमारे जेब से जा रहे हैं और 60 बच्चे हैं, 1,80,000 का अमाउंट बनता है 60 बच्चों का। हमने उनसे बोला कि 1,80,000 हम कहाँ से लाएंगे, गवर्नमेंट ये माइग्रेशन की लेट फीस के लिए मांग रहे हैं कि माइग्रेशन तुमने लेट जमा कराया था और ना ही हमको रिकॉर्ड दिखा रहे, हमने डेडलाइन से पहले हमारा माइग्रेशन जमा कराया था कॉलेज में। हाँ, नहीं, डेडलाइन से पहले कराया। हम इनसे बोल रहे हैं कि आप रिकॉर्ड दिखा दो, क्योंकि हमने सिग्नेचर भी करे हैं उस दिन जिस दिन हमने माइग्रेशन जमा कराया, और MDU यूनिवर्सिटी से सारे बच्चे माइग्रेशन भी लेके आए, वहाँ भी वो डेट है। अगर ये प्रूफ मांगेंगे तो हम वहाँ से प्रूफ ला के भी इनको दे देंगे। गवर्नमेंट कॉलेज नगीना बड़खली चौक पे, क्या मामला था आपसे 3,000 रुपये मांगे जा रहे हैं, किस बात के 3,000 रुपये मांगे जा रहे हैं आप? सर हमने अपना 4th सेम का जो रिजल्ट उसका वेट कर रहे थे हम तो, लेकिन हमने अपना जो सारा 3rd सेम का रिजल्ट भी रुका हुआ है हमारा भी, 4th सेम के हमारे जो पेपर हुए थे उनका अभी रिजल्ट की वेट कर रहे थे हम कि रिजल्ट आने वाला है हमारा, लेकिन अभी 31 तारीख कितने तारीख का आया था वो मैसेज आया था कि भाई 31 तारीख से पहले अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो उसको सबमिट कराओ वरना आपका वो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो सर आप ये बताओ कि हमारा क्या फॉल्ट है इसमें, हमने अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट टाइम पे जमा करवा दिया था और अब राधे जो इसमें अपने नगीना कॉलेज में हैं वो बोल रहे हैं कि आपने अपना टाइम पे नहीं किया जमा तो उसमें आपको 3,000 रुपये देने होंगे। जी कॉलेज में जमा किया था सर, उसके पास किया था वो राधे श्याम है एक ना, वो जमा किया था उसके पास। ऐसा भी हो सकता है, हो सके खुद राधे श्याम ने उनको लेट कर दिया हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है, हमने टाइम पे जमा किया, अब राधे श्याम बोल रहे हैं कि हम आपने टाइम पे नहीं जमा किया अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो फिर बाद में ये बोलने लगे कि आपने जो दिया है वो माइग्रेशन उसका आप सबूत दो हमारे लिए, 60 बच्चे हैं हमारे अपना सबने सिग्नेचर किया हुआ है जब माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा किया था।